के अंदर अल्लाह ने बड़ी खैर रखी है, इस खैर को इंजॉय करता है तो सिर्फ तौहीद वाला करता है। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 हरूफ पे गौर कीजिए, कोई नुक्ता नहीं है। जो शख्स ये 12 हरूफ हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह पे भी 12 ही हरूफ है, इस पे भी कोई नुक्ता नहीं है। ये 12 और 12 24 हरूफ बनते हैं। जो अल्लाह की तौहीद पे नुक्ता ना आने दे, जो अल्लाह के रसूल की रिसालत पे नुक्ता ना आने दे, इसके 24 घंटे बगैर नुक्ते के हैं, इस कदर ये अल्लाह के यहां पसंदीदा है। क़यामत के दिन भी नुक्तों से पाक होगा और जन्नत का वारिस बन जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए तो सहाबे किराम को ये राज दिया था। इन दो लफ्जों को याद कर लीजिए बस, हदीस तो लंबी है। व इन कुतअता अव हुर्रिक्ता, और मेरे सहाबी तेरे टुकड़े कर दिए जाएं जिस्म के, तुझे जला के राख कर दिया जाए, शिर्क न करना। जहां 5 किलोमीटर के बाद किसी कब्र को सजदा हो रहा हो, किसी को बिगड़ी बनाने वाला समझ के उसके सामने रुकू किया जा रहा हो, जहां अल्लाह हज़रत जलाल की उलूहियत और रुबूबियत पे डाके डाले जा रहे हो, वहां अमन आ सकता है? कौन सा ऐसा राज था जो अल्लाह के रसूल ने समझाया? यही चीज तो मुशरिकीन कहते थे, अजअल अलिहत इलाहन वाहिदा। वो क्या हो गया है, ये इतने सारे रब जो 360 हमने बुत बनाए थे, ये सारे काम एक रब कर सकता है? नऊज़ु बिल्लाह, मुशरिक में तो यही कहते थे। और ये फर्क समझिए मेरे भाई, मुशरिकीन मक्का भी तवाफ करते थे, मुसलमान भी तवाफ करते थे। ये मुसलमान क्यों, ये मुशरिक क्यों, काम तो एक ही करते थे। मुशरिकीन मक्का भी हाजियों का सत्तू पिलाते, लिबास पहनाते, खिदमत करते, मुसलमान भी ये करते थे। मुशरिकीन भी अपने गुलामों को आजाद करते, मुसलमान भी गुलाम आजाद करते। ये तफरीक किस बात की थी, ये मुसलमान है ये मुशरिक, काम तो वही है। सफा मरवा पे वो भी जाते, वो भी जाते, कुर्बानियां करते। और आपने सही बुखारी की रिवायत पढ़ी होगी, सईदना उमर ने इस्लाम से पहले जाहिलियत में एतिकाफ की नजर मानी थी, वो भी इस तरह के काम करते। तो ये फर्क क्या था? ये वो उसूल का फर्क है जो आज मेरी और आपकी समझ में नहीं आता। मुशरिकीन ये सारे काम इसलिए करते कि बाप दादा करते आए, हमें करना है। मुसलमान इसलिए करते, ये मोहम्मद मुस्तफा दीन लेके आए हैं, उसकी इताअत में करना है। जब तक इस उसूल को समझते नहीं हम, हमारी सोच कभी सलामत नहीं हो सकती। छोड़िए बाकी लोगों की तौहीद, मुझे अपनी और आपकी तौहीद जो है उसको ठीक करना है। मेरा तवक्कुल, मेरा रुजू, मेरा लौटना, मेरी इनाबत, मेरा झुकना और मेरा सजदा, और लोगों के सामने चंद टकों के लिए उस तरह जो है तजल्लुल का इजहार करना जो अल्लाह के लिए हो सकता है, मैंने इसको छोड़ा। ये जरूरत कैसे आएगी? ये जरूरत तौहीद से आएगी।